अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर एंटी इंडिया स्लोगन से लिखे पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा था दिल्ली बनेगा खालिस्तान। G20 के पहले ये पोस्टर की जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर इन पोस्टरों को हटा दिया गया। ये पोस्टर लगे थे पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर, इसके अलावा मादीपुर, नांगलोई, शिवाजी पार्क जैसे मेट्रो स्टेशनों पर। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जो CCTV फुटेज मिले हैं मेट्रो स्टेशनों के आसपास के, उसकी जांच की गई है और दो लोग उसमें संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए मल्टीपल सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन ये जो पोस्टर लगाए गए, इसके पहले सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी संगठन है उससे जुड़े हुए गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने पोस्टर लगाने के लिए कहा था और उसने ये कहा कि जहां पर G20 सम्मेलन होना है, यानी प्रगति मैदान की लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसने ये भी कहा कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, तो दिल्ली पुलिस ये मानती है कि उसी के कहने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तमाम अलग अलग मेट्रो स्टेशनों से ये पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो आरोपी हैं उनको पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है और कई सारी सुरक्षा एजेंसियां इस कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं उन्हें पकड़ा जाए। तो इस तरह लगातार इसकी जांच चल रही है, लेकिन G20 सम्मेलन जो कि 8 से 11 सितंबर के बीच में होना है उसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि बहुत सारे आतंकी संगठन जिसमें खालिस्तानी समर्थक भी शामिल हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं कि वो G20 सम्मेलन के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए लगातार जो सुरक्षा है वो कड़ी की जा रही है, लेकिन उसके पहले इस तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए और उसको लेकर अब जांच जारी है और जो पोस्टर लगाने वाले हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।